ये बिल्डिंग है जिसमें हमने कॉन्डो लिया और ये वाली वो बिल्डिंग है जिसमें हम रहते थे, रेंट पे रहते थे। ये एरिया हमारे दिल के बहुत करीब है, बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज ये पूरी कम्युनिटी बना रहे हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। जब ये वाली बिल्डिंग बन जाएगी तो हमारा कॉन्डो रेंट पे ले लेना। तो आज इतने दिनों बाद मम्मी को अपना मिसेस आगा वाला कॉन्डो दिखाने जा रहे हैं और हमें भी देखना है बिकॉज हम बहुत टाइम से नहीं गए हैं और बिल्डर की ईमेल आ रही है कि बन चुका है, 10th फ्लोर बन चुका है। हमें देखने जाना है कितना बन चुका है बिकॉज हम चाहते हैं कि लेट बने, बट बिल्डर फॉर अ चेंज इस बिल्डिंग को बड़ी जल्दी बना रहा है, जल्दी कर रहा है। सो लंच करके फटाफट क्विकली मिसेस आगा निकलते हैं और फिर जब मिसेस आगा जाएंगे पोर्ट क्रेडिट में, हमारा कॉन्डो है तो पोर्ट क्रेडिट घूमेंगे जरूर जाएंगे फर्स्ट टाइम बिकॉज मौसम अच्छा है, फाइनली मौसम अच्छा है, धूप निकले भी है, इट्स लाइक 12 degrees outside, so पक्का जाएंगे घूमने। लंच करके आ गए मिसिसागा पोर्ट क्रेडिट और बिल्डिंग दिख रही है बहुत ज्यादा बन चुकी है, आई थिंक 10-15 फ्लोर बन चुके हैं। बाहर निकल के देखते हैं, शोर हो रहा है बट इस पे 10th फ्लोर पे हमारा कॉन्डो है, जैसा किचनर वाला है वही सेम साइज हमारा फ्लोर बन चुका है, 10th आई थिंक जस्ट इसके ऊपर है, दूसरी साइड है ना। हमारा 10th फ्लोर पे है ना, बना नहीं है मतलब फ्लोर बन गया है, अच्छा रूम नहीं बना अभी, अभी सिर्फ पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे फिर रूम्स बनाएंगे। जब बिल्डर ने इसका मॉडल दिखाया था तो उसने आसपास बिल्डिंग नहीं दिखाई थी, बिल्डिंग जो हमारी है कॉन्डो बिल्डिंग उसके सामने एक और बिल्डिंग है, तो हमें डाउट ये था जो हमारा कौन सा फेसिंग है, ये वेस्ट फेसिंग है, उसके सामने बिल्डिंग ना आई, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होना चाहिए, तो हमने थोड़ा सा अंदाजा लगाया था उसके अकॉर्डिंग सही है, बिल्डिंग पहले खत्म हो रही है, जो यहाँ के आगे के घर होंगे इनके सामने बिल्डिंग आ रही है तो उनको व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा उनका, बट हमारा वाला जो कॉन्डो उसका अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है, प्लस धूप भी आ रही बहुत अच्छी, विच इज गुड, धूप आनी बहुत जरूरी है घर, वेस्ट फेसिंग है तो पूरा वेस्ट में दोपहर के बाद धूप आएगी, लेकिन गर्मियों में दिक्कत हो जाएगी। कनाडा में धूप जब भी मिल जाए ले लो, अच्छी रहती है। और हम जब भी इस एरिया में आते बताते हैं ये बिल्डिंग है जिसमें हमने कॉन्डो लिया और ये वाली वो बिल्डिंग है जिसमें हम रहते थे, रेंट पे रहते थे। हम यहाँ पे घूमने आए थे और हमें इस जगह से प्यार हो गया था, इसलिए हमने सोचा था कि हम यहीं पे रहेंगे चाहे हमें रेंट थोड़ा ज्यादा देना पड़े, बट लकीली हमें बहुत रीजनेबल रेट पे मिल गया था यहाँ पे जो अपार्टमेंट था, थोड़ा ओल्ड बिल्डिंग है लेकिन फिर भी लेक शोर के बहुत पास है, ये एरिया हमारे दिल के बहुत करीब है। जब भी हम आते हमें यही चीज बोलते हैं, दिन याद आ जाते हैं यहाँ पे आके। और आपको रेंट पे लेना हो जब ये वाली बिल्डिंग बन जाएगी तो हमारा कॉन्डो रेंट पे ले लेना। प्लस द ब्यूटी इज सिर्फ एक मिनट की वॉक है गो स्टेशन के लिए, हम इतना मतलब एंजॉय करते थे ना इस चीज को, और एक मिनट की वॉक है लेक शोर के लिए। सामने से इतनी ठंडी हवा आ रही है, मम्मी कह रही ठंड क्यों लग रही है, सामने बिल्कुल लेक शोर है और हमारा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था एक टाइम पे, अभी भी है। जो है ये मिसिसागा का सबसे पॉपुलर पार्क है और हमारा ही फेवरेट प्लेस है बिकॉज हम यहाँ बहुत आते थे, अब भी आपको लग रहे हैं कम लोग हैं, बट जब आप समर में आओगे यहाँ पे अगर आप रुके तो आपको पता चलेगा कितने लोग आते हैं यहाँ पे, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डेस्टिनेशन। वो देखो सामने, वहाँ आपको सीएन टावर भी दिख रहा है, पूरा स्काईलाइन दिख रही है टोरंटो सामने सामने बिल्कुल सामने, देखो दिखा व्हाइट वाला, हाँ वो सीएन टावर है, साथ में सारी बिल्डिंग्स है, वो पूरा डाउनटाउन टोरंटो है। जब आरव नहीं था तो हम वहाँ जैसे वो लोग रहे ना पत्थरों पे चढ़ चढ़ के वो कोने में जाके बैठते थे और डिनर करते थे, अब वो दिन गए। मैं भी अभी ना वो देख के बोलने आए थे कि अगर अभी आरव नहीं होता मम्मी नहीं होती साथ में, हम शायद वो पत्थरों पे जाते। वो देखो वो जमाना चला गया आपका, यहाँ। और जैसे मैं आपसे कह रही थी कि समर में लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे देखो वो पिट्स बनी हुई जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो समर्स में आके। अच्छा? तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं, लोग ग्रुप्स बना के आते हैं यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, वो प्रॉपर वहाँ पे स्टेशन बने हुए हैं एंड यू कैन एंजॉय समर हियर, बहुत मजा आता है। Is it free of cost? हाँ, it is free. I think book करना पड़ता है। First come first serve है, but gazebo जो है वो book करना पड़ता है। हमने I think meetup के लिए try करा था तो हमें मिला नहीं था, तो advance में book करना पड़ता है gazebo ना।
इन पत्थरों पे बैठ के हमने कितने वीडियोस बनाए जब यहाँ रहते थे हम पोर्ट क्रेडिट पे, राइट। एंड यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे भी बड़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ब्राइट वाटर्स, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, कॉन्डो स्टार्ट हो गया, उसके टाउन हाउस भी थे बहुत महंगे, 2-2 मिलियन के टाउन करवा दो अभी, हमने सोचा था लेकिन वो बहुत महंगे हैं, तो वो बिल्कुल पानी के पास है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये गो स्टेशन के पास नहीं होंगे, तो हमारा वाला जो है वो नीचे उतरते गो स्टेशन है, ये पानी का व्यू तो है बट ये ट्रैफिक में फंसेंगे और गो स्टेशन दूर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट किया था, राइट। बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज ये पूरी कम्युनिटी बना रहे हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। बट ठीक है, हमने रेंटल वाइज सोचा था कि जो रेंट पे लेगा उसे गो स्टेशन बहुत पास पड़ेगा, बिकॉज कोई गाड़ी से डाउनटाउन टोरंटो नहीं जाएगा, गो स्टेशन से जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने शटल चलाई है, यहाँ से शटल डालती है इनकी गो स्टेशन तक, तो वो हैसल है, राइट। हमारे नीचे ऊपर से पैराशूट पकड़ के कूद जाओ, नीचे सीधा गो स्टेशन पे जाओगे। हमारा तो ऐसा जैसे हम जब रेंटल में भी रहते थे, सो गो ट्रेन स्टॉप पे आ जाएगी वहाँ पे, देन आप निकलो अपने घर से, तब भी आप पकड़ सकते हो ट्रेन, इतना कन्वीनियंट है वहाँ पे। तो मम्मी को चेरी ब्लॉसम के भी दर्शन करा दिए, अच्छा फोटो चलो खींचते हैं। मेरे भी बहुत सारे टेस्ट थे जो डॉक्टर ने लिख के दिए थे, मैं भी नहीं करा रहा था, मम्मी के भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, उनको भी डॉक्टर ने लिख के दिए, तो हमने सोचा दोनों एक साथ करा लेंगे। बट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जिसके पास पीआर कार्ड होता है, लाइक ओहिप कार्ड होता है, उसके कैसे होते हैं टेस्ट, और जो टूरिस्ट वीजा पे होता है, जैसे मम्मी है, इनका इंश्योरेंस है, तो उनके कैसे होते हैं, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। जैसे हमारे जो टेस्ट है उसको तो गवर्नमेंट पहले ही पे कर देती है, हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंश्योरेंस में ऐसे होता है कि आप अपनी पॉकेट से पे कर दोगे, बट बाद में आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस से आपको मिल जाते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बैड डॉग पूरे थोड़ा मिलते हैं, पूरे मिलते हैं। डेंटल के तो नहीं पूरे मिले, डेंटल में ये है कि उसमें लिमिट होती है ना, जैसे लिमिट है 250 की, तो 250 में जितना मर्जी आपका एक्सपेंस होगा 250 तक मिलेगा, उसके बाद फिर नहीं मिलता। बाकी की लिमिट ज्यादा है, बाकी चीजों की जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की और टेस्ट वगैरह की, डॉक्टर कंसल्टेशन की, तो वो पूरे मिलते हैं। तो कवरेज पे डिपेंड करता, कवरेज आपने कितनी ली हुई, ज्यादा इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा लेनी चाहिए। बट एनीवे आज टेस्ट का पता करते हैं, अभी पहले तो अल्ट्रासाउंड है जिसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हमने पहले ही ले ली। चलो मम्मी का अल्ट्रासाउंड हो गया और बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने जो टेक्नीशियन थी उससे ही पूछ लिया कि सब कुछ सही है कि नहीं है, तो कोई स्टोन नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब सही है। तो खुश रहो, एंजॉय करो, यहाँ पे आए हो। तो अब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेने का, स्ट्रेस से सारी दिक्कत होती है। पेट में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कुछ है तो कहती नहीं, कुछ भी नहीं है, सब सही है। चलो गुड, शुक्र। एंड एक और चीज बताना भूल गया कि जब भी टूरिस्ट वीजा से कोई भी अगर मेडिकल सर्विसेज यूज करता है ना, तो वो पता नहीं कैश में पेमेंट क्यों लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता, बिकॉज टैक्स तो सेव हो नहीं रहा, क्योंकि वो हमें रिसीट दे रहे हैं एक्चुअल वाली। अल्ट्रासाउंड की भी उन्होंने एक्चुअल रिसीट दी है, टैक्स तो सेव नहीं हो रहा, बट वो कैश पेमेंट लेते हैं हर बार, ये पता नहीं है। डॉक्टर के बाद जितनी बार भी गए हैं, हमें रीइंबर्समेंट मिली है बट हमने कैश पेमेंट करी है, हमने जितनी मेडिसिन ली हमने कैश पेमेंट करी है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। बट अब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कुछ कुछ वॉक इन सेंटर्स हैं बट उनकी सारी वेटिंग लिस्ट फुल है, तो हमें बर्लिंगटन जाना पड़ेगा, वहां पे चेकिंग करते हैं, बर्लिंगटन चलते हैं अब टेस्ट करवाने आपके, क्योंकि इधर फुल है सारी। अल्ट्रासाउंड भी हो गया, ब्लड टेस्ट भी हो गए, थोड़े बहुत जो है मेरे तो मुझे पता ही, जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई है, थायराइड हाई है, ये सब मेरा भी हाई होगा, डोंट वरी, हाई आएगा, बट वो पेट वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होगा ना, गैस होती है, ब्लड शुगर हुआ मेरा, यूरिन टेस्ट हुआ। बट हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, तो वो सही रहा, मतलब वो कैश में जाता है, यू हैव टू पे। जैसे मैंने अपने टेस्ट के पे नहीं किया, कुछ टेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट से कवर्ड नहीं होते, वो मैंने पे किए, बाकी गवर्नमेंट कवर करती है आपके ओहिप कार्ड पे। एंड मम्मी के पे किए हैं, वो रीइंबर्समेंट हम डाल देंगे, एंड जो रिपोर्ट्स है वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएंगी, जो आपका डॉक्टर था उमर, उसके पास जाएंगी, फिर वो पता चल जाएगा हमें। वो हमें कॉल करेगा, कॉल कर सकता है, जा भी सकते हैं हम अपॉइंटमेंट लेके, तो फिर चेक कर लेंगे। अच्छा, ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते? ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने ली हुई है, तो वो साल के $10 कटते हैं, तो फोन पे मेरे को रिपोर्ट दिख जाती है, तो वो ले सकते हैं। बट वो उसके लिए कि आप हर महीने हर 3 मंथ जा रहे हो, तो आप ट्रेंड देख सकते हो, जैसे मुझे दिखता रहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे कितना हो रहा है, बट ये हमें डॉक्टर बता देगा। ठीक है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बढ़िया था। इवन अल्ट्रासाउंड का भी बहुत अच्छा था, अल्ट्रासाउंड दैट लेडी वाज वेरी कोऑपरेटिव,
बट वही अल्ट्रासाउंड में बस अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो मे भी एक हफ्ते बाद मिले, एक महीने बाद मिले, इसके लिए लेना नहीं पड़ता, ब्लड टेस्ट के लिए नहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, वॉक इन यहाँ पे भी काफी एक्सपर्ट थे लोग, फर्स्ट प्रिक में फटाफट उन्होंने ब्लड ले लिया। हम एम्प्टी स्टमक है दोनों, तो भूख लगी खाते हैं कुछ जाकर।